नमस्ते दोस्तों, मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। दोस्तों, आज से हम यूट्यूब पे लर्निंग वीडियो बना रहे हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस की, और इसी से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसा रहेगा कल और हम क्या ट्रेड ले सकते हैं ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। तो देखते हैं चार्ट पे कि कैसा रहेगा कल का मार्केट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और दो दिन से मार्केट कंटिन्यू एक रेंज बाउंड में है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है अपसाइड से, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और एक ट्रेंड लाइन नीचे से फॉलो हो रहा है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। चलिए मानते हैं कि यहाँ पे अगर कल मार्केट इन बिटवीन यहीं पे कहीं ओपन होता है, तो जो भी ब्रेकआउट अपसाइड आएगा, तो जैसे अगर मार्केट ऊपर साइड निकलता है तो हम 43,200 का कॉल बाय करेंगे या 43,200 का पुट शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा 43,500 का रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा 43,600 का रहेगा। उसी के साथ अगर मार्केट कल अगर इफ इन केस ब्रेक डाउन करता है तो हम जो ट्रेड लेने वाले हैं 43,100 का पुट बाय करेंगे या 43,100 का कॉल हम शॉर्ट करेंगे। उसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 42,900 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसी के साथ सेकंड टारगेट जो रहेगा 42,800 या 750 के बीच में, इसी बीच में कहीं हमारा सेकंड टारगेट रहेगा अगर इफ इन केस कल मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो। चलिए मानते हैं कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप के इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट कौन से साइड में रेंज बना रहा है और क्या उसकी कंडीशंस और क्या सिचुएशंस बन रही है। इफ़ इन केस यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होके डाउन साइड दिखा रहा है तो हम 43,500 या 400 के पुट को खरीदेंगे या इन दोनों की ही कॉल को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कैसा ट्रेड करेंगे। मार्केट इफ़ इन केस अगर 43,000 के नियर बाय कहीं ओपन होता है, 43,000 से लेके 42,900 के बीच में कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पे जो भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनेंगी, एक हैमर कैंडल बनेंगी इसी बीच में, तो ये बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल में हैमर कैंडल बनती है तो उसी का हाई हम वहाँ पे एंट्री लेंगे और उसी के लो को हम स्टॉप लॉस लगा के अपसाइड के लिए एक ट्रिगर मोमेंटम देखेंगे। जहाँ पे भी हमें ट्रेड मिलता है तो हम 43,000 का पुट शॉर्ट करेंगे या 43,000 का कॉल बाय करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आज का क्लोजिंग जो भी है 43,234 यानी 43,200 का हमारा जो भी क्लोजिंग रहेगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा 43,400 का रहेगा अपसाइड के लिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये हमारा पहला वीडियो है, मे बी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ सकता है वॉइस वगैरह में, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।